नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। घर में बधी भैंस रात में छूटी और पड़ोस के घर के बाहर रखे चारे को खा गई। सुबह जब चारा मालिक की नींद खुली तो घर के सामने भैंस को चारा खाते देखकर आग बबूला हो गया और पड़ोसी के घर जाकर गाली गलौज करने लगा। भैंस मालिक ने कहा कि उसकी भैंस ने जो चारा खा लिया है तो चारा खाने के बदले वह चारा ले ले। लेकिन आग बबूला युवक ने गाली गलौज करते हुए युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर दोनों पक्षों के लोग पहुंचे तो दोनों परिवारों के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है कि घर में घुसे एक दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे और पत्थरबाजी कर दी, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। दरअसल यह मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव का है, जहां रामकरण कोल की भैंस पड़ोसी रामकुमार साकेत की घास खा गई। इसी बात को लेकर नाराज राजकुमार पटेल गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट किया। मारपीट करने वालों में सतीश साकेत, शिव कुमार, नरेश के साथ एक दर्जन लोग शामिल हैं। वहीं मारपीट की घटना में रामकरण कोल, सूरज कोल, गुड़िया कोल, रेशमा कोल और खुशबू कोल घायल हुई हैं। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पीड़ित महिला थाना पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपको सुनाते हैं भैंस के घास खाने को लेकर हुए विवाद के बाद क्या घटना घटी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या घटना हुई है? झगड़ा। कौन लोग झगड़ा किए हैं? साकेत लोग। मारपीट किए हैं? मारपीट कर हमारे द्वारे पर आया। क्यों मारपीट किए हैं? भैंस के कारण। बताइए पूरा मामला। रात में टूट गई, थोड़ा सा घास खा लिया। हाँ। हम लोग मना किए थे, आकर मारने लगे तो हम लोग बचाने लगे। जब टांगी मारी तो हम लोग बचाने लगे, हमको भी मार दिया। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की है? 15 आदमी रहे। 15 थे। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? सब परिवार। उनका नाम मालूम है? नाम कुछ लोगों को मालूम है। तो बताइए। नाम मलाई साकेत, नीरज साकेत, राम कुमार साकेत, रानी साकेत, मंजू साकेत। किस चीज़ से मारपीट किए हैं? हो गया यही थोड़ी थोड़ी बात। किस चीज़ से मारपीट किए हैं? डंडा और पत्थर, टांग। क्या नाम है आपका? राम करण। कहाँ से आए आप? क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि भैंस रात में छूट गई, उसको चारा खा लिए, फिर वो हमारे द्वारे में आए थे, हमको मारने लगे और भैंस हम बांधने लगे। भैंस माने बांधने लगे, कहें हमारा सब चारा खवा लिए। तो हमने भाई चारा तुम्हारा खा लिया है, लेकिन चारा का चारा ले लो, लेकिन लाठी डंडा मत चलाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानने, पूरी परिवार में लूट कर मार। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की है? 15-16 आदमी थे वह बने परिवार। कितने लोगों को मारा है? मारा हम लोगों को 5 आदमी को मारा। औरतों पे भी? औरतों को भी मारा है? औरतों की भी मारा है। हम दो लड़के थे, एक बटोई थी और एक दो लड़की थी। सभी की चोट लगी हुई है, उसके पैर में लगी हुई है, उसके कमर टूट गई है, उसके मुँह में लगी है, हमारे पेटर में। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? ये शिकायत हमने गोविंदगढ़ थाना में की है। वहाँ आपको क्या बोला गया? वहाँ मुझे बोला गया है ये नकल दे दी हूँ, देख रहा हूँ कि क्या होगा, नहीं सुनेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। महिला थाना आए हैं आप? महिला थाना आए हैं हम, यहाँ रीवा तक आए थे। यहाँ भी हम सोचे कि अपना माने झक कर रहे हैं, बार बार झगड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी गुस्सा देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका नाम मालूम है जिन्होंने मारपीट की है? मालूम है। बताइए। राम कुमार, धीरज, राम विश्वास, नरेश, घास को लेकर मारपीट किए हैं। पहले से कोई विवाद तो नहीं था? पहले से कोई विवाद नहीं था, थोड़ा बहुत था माने शुरू शुरू वाली बात, बाकी मायन विवाद ही भैंस के घास के कारण। ठीक है, चलिए अपना नाम बता दीजिए। राम करण।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।